मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर फिर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके इस बात का खंडन उनके ही आईटी सेल कर रही है। साथ ही शिवराज ने कमलनाथ से पूछा कि उद्योगों को ऋण देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ पर बयानों की बौछार कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री चौहान ने कमलनाथ से सवाल पूछते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता ही सब कुछ है, ये सत्ता पाने के लिए झूठे वादे करते हैं, जनता को धोखे में रखते हैं। कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योगों को ऋण देंगे, लेकिन सवा साल में इन्होंने क्या किया, इसका जवाब कमलनाथ और कांग्रेस दे। आज मैं वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। सवा साल में क्या किया, कांग्रेस बताएं, कमलनाथ बताएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वह कह रहे हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और दूसरी ही तरफ उन्हीं की आईटी सेल इस बात का खंडन करती है। उनकी आईटी सेल कह रही है कि कमलनाथ अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी बताएं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। आपकी पार्टी के नेताओं में गदर मचा हुआ है, आपके नेता अनुभवी नेताओं को बच्चे कह रहे हैं, तो कमलनाथ जी बताएं कि बच्चे कौन है और सच्चे कौन है। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फट से फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भावी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती, आपकी पार्टी में गदर मचा हुआ है, आपके एक नेता कह रहे हैं कि फलाने फलाने तो अजय अरुण तो बच्चे हैं, अभी इतने साल के परिपक्व नेता आपकी पार्टी के नेता की नजर में बच्चे हो गए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता सच्चे कौन है कमलनाथ जी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।